ये थे जनाबे फैयाज तरन्नुम साहब। जब वो अपने मुतरन्नम आवाज में गुनगुना रहे थे, सच्ची बात है कि मुझे भी तरन्नुम में सिसकियां आ रही थी और कभी चार मिसरे बहरहाल जनाबे दिल खैराबादी के हवाले से हुआ था। आज भी मदीने, बिल्कुल वही तरन्नुम, अल्लाह अकबर कबूल कर लेला। आज भी मदीने की वादियां समझती हैं, आज भी मदी, आवाज ना देखा, बिल्कुल जो जिस दर्द के साथ शेर पढ़े गए हैं, कहे गए हैं, क्या कहें, इसमें आपकी दुआएं चाहूंगा। आज भी मदीने की वादियां समझती है, वादियां समझती है, आज भी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वादियां समझती है, वादियां समझती है, क्या मकाम आका है, क्या मकाम आका है, बकरियां समझती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या मकाम आका है, वाह वाह वाह, बकरियां समझती, क्या बात है। और ये कड़वा सच है जिस हवाले के साथ ये शेर पढ़े गए हैं, सच्ची बात। कभी किसी ने एक वाकया लिखा था, खुर्शीद साहब, एक जनाजा तैयार शुदा हालत में, बेटा, दो बेटे थे जिसकी बहरहाल मैयत हुई थी और एक बेटी थी उसके पास। एक शख्स खड़ा हुआ बीच से कहने लगा कि इमाम साहब, मैं उस वक्त तक जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगा जब तक इस मैयत की तरफ से कोई वारिस खड़ा हो और मुझसे ये ना कह दे कि कौन इसकी तरफ से 5 लाख रुपए की रकम देगा, मैं पाता हूँ उसके पास। दोनों बेटा हैरानो सजदा रहा, चुप्पी बांधे हुए रहा। लेकिन जब ये खबर उसकी बेटी को होती है, बेटी बिल्कुल उल्टे पांव दौड़ के आती है, अपने कान के और सारे जेवरात को उतार के दे देती है। फिर उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि इसके अलावा जो रकम मेरे अब्बू के पास आप पाएंगे मैं दे दूंगी, आप मेरे अब्बू के जनाजे की इजाजत दे दें। जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके अब्बू मेरे पास, आपके अब्बू के पास मैं नहीं पाता था बल्कि आपके अब्बू मेरे पास पाते थे, मैं ये देखना चाह रहा था कि इसका सच्चा वारिस कौन है, मुझे पता लग गया। वहीं से ये दो मिसरे कहे गए हैं, आज भी मदीने की वादियां समझती हैं। अब शेर सुनिए, आजकल के बेटों को राही कौन समझाए, अरे वाह 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 वाह, राही कौन समझाए, आजकल के बेटों को राही कौन समझाए, राही कौन समझाए, वालदैन का रुतबा, वालदैन का रुतबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वालदैन का रुतबा, वाह 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 वाह, समझती है। आइए जरा तमाम, ये जनाबे दिल खैराबादी का हिस्सा मैंने लिया। अब मैं बिना किसी ताखीर व तमहीद के, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पुपकंदी का ये जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से ये भी मालूम है कि यहाँ हर चार तरफ से 9 बनो मसाइब व आलाम के पहाड़ घिरे हुए हैं। लेकिन हमें ये हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि जिंदगी बिलखसूस बामकसद जिंदगी के लिए दुश्वारियाँ लाजमी हैं, मगर यही मुश्किल व मौजलात जोहदो अमल की कीमत बढ़ाती हैं। किसी ने कहा था, चला जाता हूँ हंसता खेलता बातें हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता बातें हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी तो दुश्वार हो जाए, और नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। आइए हजरत सामईन नाज़रीन, इस हालात के पुरकशिश माहौल में और इस पुरखतर माहौल में एक ऐसे मुकर्रर की तरफ मैं कदम बढ़ाता हूँ जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब है। इस वक्त मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाए और
और मवाइज हसना से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए इन चार मिसरों के साथ कि जिंदगी फानी है। अब शेर सुनिए और सुभान अल्लाह कहिए एक बार मचल के सुभान अल्लाह। जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? अरे हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले। इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? आप बिल्कुल तशरीफ रखें। इसके बाद जनाबे कारी फिरदौस कौसर साहब होंगे और आपके चहीते शायर जनाबे दिल खैराबादी होंगे। हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब तशरीफ ला रहे हैं।